Hello students, Assalamualaikum. Welcome to the World Learning International School Virtual Campus. I hope you आप सब ठीक होंगे और अब तक का काम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. आज हमारे नई एक्सरसाइज से हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.3. लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था. आज हम निकालेंगे कि हमारे पास कोई सादा नंबर दिया हुआ है तो हम उसको स्क्वायर रूट बगैर कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फाइंड द स्क्वायर रूट. आपने इसके लिए एक मैथमेटिक्स करना होता है जिसे हम कहते हैं एलसीएम, जो आप लोगों ने 7-6 क्लास में भी किया होगा. तो मेरे हिसाब से कि आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग को इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एलसीएम हम शुरुआत से ही करते हुए आ रहे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. हम इसका एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं 64 का. हमें पता है कि 2 को डिवाइड से हो क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 को डिवाइड से 2 1 2, 1 2 6 1, अगेन 2 को डिवाइड से 2 8 16, अगेन 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. हमारे पास ये सारे 2 को डिवाइड से हुए. अब हम एक ये नाम करते हैं, हम इस नंबर को 64, ठीक है, हम इस नंबर को इस स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे. और हमारे पास जो नंबर होंगे वो किस तरह से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय बी से मल्टीप्लाई की साइन आएगी. क्लियर? अब आपने क्या करना है, स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो नंबर. आपने दोनों नंबर के पेयर बना लेने हैं, 2 3 3 पेयर बना लिए. पेयर बनाने के बाद आपने ये तो सेम ही लिखना है, आपने इन दोनों में से एक नंबर उठाना है. 2 एक इसका, 2 एक इसका और 2 एक इसका. क्लियर? फिर आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 2 8. इसका मतलब कि 64 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 8 का. अगर आपको आपका आंसर चेक करना हो तो आप 8 को 2 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 8 8 64, इसका मतलब आपका आंसर सेम है. एलसीएम निकाला, उसके बाद सारे नंबर यहाँ लिखे, उनके पेयर्स बनाए. पेयर्स बनाने के बाद दोनों नंबर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, एक नंबर हर पेयर में से एक एक नंबर को सिलेक्ट करते जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. 2 अगेन 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16. क्लियर? 2 9 18. अब 9 2 में नहीं आता, 9 का आप करेंगे 3 से, 3 3 9, 3 1 3. डन. अगेन सेम चीज करेंगे, 1 4 4, सारे नंबर उतार लिए, पेयर बनाएंगे. पेयर बनाने के बाद हर नंबर में से कॉमन ले लेंगे. 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, इसका 3 आ गया. अब 2 2 4, 4 3 12, इसका मतलब कि ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है, 12 का. अगर आपको पता करना हो तो आप क्या करेंगे, आप 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लोगे, 12 को 2 टाइम, 12 2 2 4, 2 1 2, 1 2 2, 1 1 1, 4 का 4 4 1. देखा आपने, आपका आंसर सेम आया. ठीक है, नाउ दिस वन, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 1 4 2 5 10, 1 4 2 6 12, 2 1 2, 2 4 2 2 4, 2 1 2, इसको 4 करेंगे, 2 2 4, 1 4 2 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 1 2. क्लियर? सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुए. अगेन वी डू दिस, सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 से हम 10 2 को उतार लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई. क्लियर? अब पेयर बनाना शुरू कर देती हूँ. इसका ये रहा आधा लिखा मैंने, अब कितने 2 कॉमन आएंगे, 5.
32. आपका आंसर क्या आया? 32 आंसर आया आपका. इसका मतलब कि 32 को अगर आप दो दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर आएगा. क्लियर? Now let's start doing the last one. 2 8 16 0 0. 2 4 8 0 0. 2 4 2 4 again 0 0. 2 5 10 0. 2 5 10 0 0. 2 2 4 1 is equal to 12 10. 5 5 25 5 5. Clear? अब इसको भी हम इसी तरह कर लेंगे. 1600 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 4 5 6 आखिरी में क्या है? 5. पेयर बना लिया आपने. पेयर बनाने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई की तरह लिख देना है. कॉमन 2 2 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 14. सिंपल आपका आंसर क्या आया? 14. आई होप कि आपको ये सवाल क्लियरली समझ आ गए होंगे. बहुत इजी है. टोटल इसके 6 थे, 4 तो मैंने करवा दिए, बाकी में 2 आप खुद करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कॉमन किस तरह से लिया और कॉमन दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.